वेद मेहरा की ओर से आप सभी भाइयों को नमस्ते। तो आज बात करते हैं प्रकृति द्वारा दी हुई दांतुन का उपयोग कैसे करें और किस वृक्ष की दांतुन किस रोग में फ़ायदेमंद होती है। जब भी दांतुन करें ताजी लेकर करें। दांतुन 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। कभी भी दांतुन घूमते हुए या टहलते हुए ना करें। जब भी करें उकड़ू बैठकर ही करें। इससे आपके पूरे शरीर को फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं नीम की दांतुन या दांतुन करने से होने वाले फ़ायदे। नीम की दांतुन का रस मसूड़ों की सूजन, पायरिया, कीड़ा लगना, जलन, दांतों का टेढ़ा होना जैसी समस्याओं को दूर करता है। नंबर 2, यदि प्रेग्नेंट महिलाएं नीम की दांतुन करती हैं तो बच्चा स्वस्थ और निरोग पैदा होता है। नंबर 3, करंज की दांतुन बवासीर, पेट के कीड़े में फ़ायदेमंद होती है। नंबर 4, बेर की दांतुन से गली की समस्या, दांतों के कीड़े, खांसी और मुँह की बदबू दूर होती है। नंबर 5, अपामार्ग या चचिटा की दांतुन सांस की बीमारी का नाश करती है। नंबर 6, बबूल की दांतुन दांतों का ऐसे में गिरना, मुसूड़ों में खून का निकलना, छाले में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस दांतुन से बांझपन और गर्भपात होने का खतरा नहीं रहता। नंबर 7, अर्जुन की दांतुन हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इससे बीपी हाई और शुगर जैसी बीमारियां दूर भागती हैं। नंबर 8, अमरूद की दांतुन खून बढ़ाने में फ़ायदेमंद होती है। नंबर 9, शीशम की दांतुन महिलाओं के लिए रामबाण दांतुन होती है। महिलाओं की कोई भी समस्या हो शीशम की दांतुन से दूर भागती है। नंबर 10, नींबू की दांतुन चेहरे की समस्याओं का समाधान करती है। आपको जो भी इस वीडियो में जानकारी दी गई है वह आयुर्वेद की बुकों का गहन अध्ययन करने के बाद दी गई है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।